बिहार विधानसभा में जदयू प्रमुख सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर विवाद बयान दे दिया है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बोल रहे थे, जहां उन्होंने ये आरोप लगाया कि आरजेडी ने 2005 के बाद महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। इसी बीच आरजेडी विधायक रेखा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसी दौरान नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। वहीं रेखा देवी ने इसे गलत बयान बता दिया है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट पर अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर बैठकर पूरी बात सुन लीजिए तब आपको सब कुछ ठीक लगेगा। सारी पार्टियों को आप लोग भी साथ थे, ये भी हम सबको बुलाकर बताए हैं और बातचीत करने पर हम पूरा सर्वे करवाए हैं, फिर जाति जनगणना करवाई और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुनिए, अरे भाई आप सुनिए ना, आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं और ये सब भूल जाते हैं कि हमने इनको कितना ज़्यादा किस तरह से आप लोगों को भी वह करवाया था। ये हमारी इच्छा थी कि सब लोग राजी हुए थे। सुनिए, चुप रहिए, अगर बैठकर सुन तब पाता तो पता चलता कि सचमुच क्या सही है। अरे आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानने के लिए ये काम हम लोगों के करवाया है, आप लोग के साथ इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, जब आप लोग द्वारा सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेज आवाज में आरजेडी की विधायक रेखा देवी पर भड़क गए और आरजेडी के नेताओं को खरी खोटी सुना डाला। आप इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे गुस्सा हो गए हैं। सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है कहां से आते, इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद ना महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू भाषा, इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था, पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया तो इसलिए जो भी होता था 50%। यहाँ तक जो हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन कुछ ही देर बाद पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि मुख्यमंत्री हाय हाय। इसके बाद जो वाक्या हुआ वो सब एक तरफ से हंसने लगे। नीतीश कुमार छट से अपनी सीट से उठे और कहा कि सब लोग हाय हाय, सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। वहीं जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने राबड़ी देवी पर विवादित बयान दे दिया है। जब उनसे पूछा गया कि राबड़ी देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है आम बजट पर, तब उन्होंने कहा कि बजट जैसी चीजें राबड़ी देवी की समझ से बाहर हैं, उन्हें साइन करना आता नहीं, बजट पर क्यों बोलेंगी। बता दें कि लल्लन सिंह मुंगेर के सांसद व केंद्रीय मंत्री हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया आरजेडी देने वाली है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।